बिहार में एनडीए से अलग होकर नीतीश के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन की सरकार ने सत्ता संभाल ली है। झारखंड में भी हेमंत के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार में राजद शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति का प्रभाव झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ये झारखंड राजद के प्रवक्ता का कहना है। प्रदेश राजद के प्रवक्ता का कहना है कि बिहार में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का असर झारखंड में आने वाले दिनों में दिखेगा। आने वाले चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलना तय है। साथ ही कहा कि प्रदेश में राजद फिर से अपनी खोई जमीन पाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी कहना है कि निश्चित रूप से यहां जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी ही भागीदारी मिलेगी। ये पहले से हम लोगों ने तय कर लिया है। गठबंधन को इससे नहीं तोला जाना चाहिए कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। नियत ठीक होनी चाहिए। यहाँ नियत गठबंधन के सभी दलों की ठीक है। वही प्रदेश बीजेपी का कहना है कि बिहार और झारखंड की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में पलटू चाचा ने मेंढक को हाईजैक करके राजद के साथ पिछले दरवाजे से सत्ता बनाई है, जबकि झारखंड में इस सरकार को जनता सामने के दरवाजे से बाहर निकलने को तैयार है। इस सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में कितने घपले और घोटाले किए हैं। खुद मुख्यमंत्री की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। यहाँ सरकार में मौजूद दलों में इतना अंतर विरोध है कि सरकार में शामिल दल खुद दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। सरकार का गिरना बिल्कुल तय है। ये दोनों राज्य का अंतर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिससे झारखंड में बिल्कुल प्रभाव रहेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड, बिहार सहित यूपी और अन्य राज्य में भी इसका असर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी भगाओ, देश बचाओ। भारतीय जनता पार्टी भगाओ, संविधान बचाओ। भारतीय जनता पार्टी बचाओ भगाओ, महंगाई से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी भगाओ, बेरोजगारी से बचाओ। भारतीय जनता पार्टी भगाओ, कल कारखाना फैक्ट्री बचाओ, सरकारी संस्था बचाओ। भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2024 में निश्चिंत है और झारखंड और बिहार के सहित पूरे देश के लोगों के बीच जिस तरह से नीतीश कुमार जी के महागठबंधन में शामिल होने से मैसेज गया है, जिस तरह से लोग खुशी में हैं, खुशहाल हैं कि आने वाले 2024 में महागठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। जनता के मुंड से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी भगाओ, देश बचाओ। धन्यवाद। यहीं से महागठबंधन मजबूत थी और उसमें जो है, चूंकि झारखंड में आप देख रहे थे किस तरह से सरकार गिराने के लिए, अस्थिर करने के लिए, अपदस्थ करने की तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा था वो खुद गड्ढे में गिर गया। बिहार हमारे बड़े भाई के रूप में जाना जाता है और निश्चित रूप से छोटे भाई को जो नुकसान पहुंचाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, बड़े भाई ने उसका बदला ले लिया है। तो ये झारखंड के लिए शुभ संकेत है। तो बड़े भाई के जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंजेज आ रहा है, तो उसका असर तो छोटे भाई पे भी कुछ दिखेगा। आरजेडी की भूमिका बढ़ेगी नहीं? देखिए, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी ही उसको हिस्सेदारी मिलेगी। पहले ही से हम लोगों ने दिया है। एक विधायक जीते हुए थे और वो मंत्री हैं, तो इसमें कोई, इसमें देखिए, इससे कहीं गठबंधन को नहीं तोला जाना चाहिए कि कौन कितना मंत्री बना है, कौन किसको क्या मिला है। इस बात से कि नियत ठीक होनी चाहिए, और नियत हमारी ठीक है, राजद की ठीक है, जामुमो की ठीक है, जदयू की ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, बिहार और झारखंड की तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार पलटू चाचा ने मैंडेट को हाईजैक करके तेजस्वी यादव के साथ पिछले दरवाजे से सत्ता बनाई थी।
और सत्ता का उनका जो गठबंधन बना है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालसा के कारण बना है। लेकिन झारखंड में तो जनता इस सरकार को सामने के दरवाजे से बाहर निकालने को तैयार है। इस सरकार ने पिछले 2.5 से ज़्यादा वर्षों में जितना घोटाले घपले किए हैं, खुद मुख्यमंत्री की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है कि जनता अब सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार को सामने के दरवाजे से बाहर करेगी। तो ये दोनों राज्यों का फर्क है। इस राज्य में सरकार को गिरना बिल्कुल तय है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार इतनी अनपॉपुलर है, इनमें इतना अंतरकला है, अंतर विरोध है कि ये एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। ये सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी।